चांबा जिले में पुलिस ने चोरों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए 9 चोरों को गिरफ्तार किया है, और जिनके पोजेशन से भारी मात्रा में स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर हुई है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख बनती है, और जिसमें सोने और चांदी के जेवरात भी शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी ब्रह्मणा, विजयपुर और सांबा में डीएसपी और एएसपी के रहनुमाई में, इनकी सुपरविजन में बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो 9 कुख्यात चोर हैं, ये बहुत सी गतिविधियों को इस प्रकार से अंजाम दे चुके थे, लगातार चोरियां करते रहे हैं पहले भी, और ये जो बड़ी बड़ी चोरियां जो ज्वेलरी की हैं, जो जेवरात की हैं, गहने चोरने वाली और कैश चोरी करने की, ये खास प्रकार का षड्यंत्र था, और एक बड़े षड्यंत्र के हिसाब से कुछ शह देने वाले थे इनको, और चोरी करने के बाद तुरंत उस स्टोलन प्रॉपर्टी को, जो जेवरात गहने वगैरह होते थे सोने और चांदी के, उनको पिघला दिया जाता था और उसको खुदबुद किया जाता था और आगे बेच दिया जाता था। जो बेचने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं और जो षड्यंत्र में शामिल हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस इस प्रकार आगे भी कार्रवाई करेगी। सांबा जिले में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक कुख्यात चोर, चोर जिसके अंडर बहुत से चोर काम कर रहे थे, उसको PSA के तहत अंदर कर दिया गया है, और वो तीनों जिलों में, जम्मू, सांबा और कठुआ में और रियासी में भी चोरियां कर रहा था, और बहुत सी चोरियां कर चुका था। 14 केसेस जो है उसके पता चला है, और उसका PSA लग गया, और कुछ और भी चोर हैं जिसके PSA की कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और कुछ ऐसे हैं कि अब जो रहे चोरी के मामले हैं उनको भी सुलझा दिया जाएगा। अभी तक बात करूं 2023 में, पिछले बीते 11 महीनों के अंदर पुलिस ने 160 चोरों को पकड़ा है और 80 चोरी के मामले सॉल्व किए हैं, और ये एक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का एक थोड़े से अरसे में, थोड़े से समय के भीतर पुलिस का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और आशा की जाती है कि अभी जल्द ही जो बचे हुए चोरी के मामले हैं, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, उनको भी सुलझा दिया जाएगा। देखिए, इसका नाम महबूब है और ये एक वेल नोन चोर है, और जिससे एक चोरी का, एक इस प्रकार का इसने आतंक रचा हुआ था कि चोरी के बलबूते पर बड़ी धन संपत्ति भी एकत्रित कर चुका था, और इसने एक अपनी फैक्ट्री टाइप भी, इंडस्ट्री भी बना चुका था, बड़ी ब्राह्मणा में रहने वाला, ये कहीं बनी बसोली बनी वाली साइड का था, ऊंट का रहने वाला था, और इसने बड़ा एम्पायर अपना इकट्ठा किया था, चोर बहुत से इसके अंडर काम करते थे उसके कमांड और कंट्रोल में, और जब महबूब पकड़ा गया है, महबूब को पहले भी पकड़ा जाता था, बाद में वो छूट जाता था कुछ समय के बाद, अब उस पर जरूरी हो गया था कि PSA के अंतर्गत उसको अंदर किया जाता।